प्रदेश की योगी सरकार के 6 साल पूरे हो गए हैं योगी का प्रदेश की योगी सरकार के 6 साल पूरे हो गए हैं योगी टू का 1 साल पूरा हो चुका है। योगी टू का 1 साल पूरा होने पर आगरा ग्रामीण विधानसभा की विधायक प्रदेश सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जन सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। प्रदेश की योगी सरकार के 6 साल हो गए हैं, योगी टू के 1 साल हो गए। योगी टू सरकार का 1 साल पूरा होने पर आगरा ग्रामीण विधानसभा से विधायक उत्तर प्रदेश सरकार की महिला बाल पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जन सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। जन सम्मान कार्यक्रम ग्वालियर रोड पर आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता जन सम्मान कार्यक्रम में जुटे, नेता भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। ग्रामीण विधानसभा से विधायक बेबी रानी मौर्य का स्वागत किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। जन सम्मान कार्यक्रम में पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया कहती हैं, वर्तमान की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार जनता के हित में काम कर रही हैं। काफी अच्छा काम किया जा रहा है। हम सभी का दायित्व बन जाता है कि हम योगी सरकार और मोदी सरकार के हाथ को मजबूत करें। मंजू भदौरिया ने बेहतरीन अंदाज में लोगों को संबोधित किया, बताया कि किस तरीके से वर्तमान सरकार देश को मजबूत करने में जुटी है। मंजू भदौरिया कहती हैं, उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है जो सभी के लिए लाभकारी है। कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को कहा जाता था दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, आज इस उत्तर प्रदेश को कहा जाता है 6 वर्ष के अंदर क्या क्या बदलाव आया है हमारे प्रदेश में। आज कहा जाता है, कहावत है कि भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। भाइयों बहनों, ये हम सबके लिए बेहद ही गर्व की बात है। हमारे उत्तर प्रदेश को जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन का योगदान दे रहा है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों के सहयोग से इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया जा रहा है। आप सबने देखा है इतना भव्य आयोजन किया गया है। इस आयोजन का यही उद्देश्य है कि हमारे राज्य में सभी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कारोबार शुरू हो और हमारे क्षेत्र के सभी भाई बहनों को कार्य करने को मिले, उन्हें जॉब मिले। पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह भी जन सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे। पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह का कहना था, हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हम सभी का दायित्व बन जाता है कि मजबूती के साथ काम करें, जिससे हमारी संस्कृति हमारी परंपराएं बची रहें। देश एक दिन विश्व गुरु था, होते होते गुलाम हुआ, शहीदों ने अपनी शहादत दी, देश को आजाद किया। लेकिन राजनीति कुछ लोगों ने राजनीतिक सुख प्राप्त करने के लिए की, और जो राजनीति विचारों के लिए करता, अपनी वाणी को विराम देते हुए जा रहा हूं मैं, मेरी बात को है कि अपने अंग में बांध लेना। जो कार्यकर्ता राजनीतिक विचारों के लिए करता है, सत्ता प्राप्त करना, माइक और मंच पर बैठना उसके लिए कोई आवश्यक और कोई अनिवार्य नहीं है। उसकी विचारधारा, उसकी आस्था, उसकी भारतीय संस्कृति, उसकी भारतीय परंपरा ही उसका देवत्व देव है। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल भी पहुंचे थे। इसके अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा और तमाम सारे नेता मौजूद थे। जिले की पूरी टीम मौजूद थी, मंडल अध्यक्ष मौजूद थे, सभी मंडल अध्यक्षों का सम्मान किया गया। खास बात यह रही, यादव महासभा के लोगों ने भी मंच पर अपनी उपस्थिति दिखाई और सभी लोगों का स्वागत किया। ये अपने आप में बड़ी बात है। बेबी रानी मौर्य कहना था, जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, जनता का प्यार उन्हें मिला है, सरकार काम कर रही है, कई कार्य किए जा रहे हैं। जहां सरकार के माध्यम से काम किए जा रहे हैं, वहीं विधायक निधि से भी काम किए जा रहे हैं। उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि जनता और कार्यकर्ता उनके साथ हैं। जनता की हर मुश्किल में वे खड़ी हैं, हर जन समस्या को दूर करने का काम करेंगी। जो भी जिम्मेदारी उन्हें जनता सौंपेगी उसको पूरा करेंगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के 6 साल होने पर और मेरी दूसरी पार्टी की सरकार का 1 साल होने पर मैंने अपने सभी जो सामने बैठे हैं मेरे सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों आप सबको एक सम्मान देने के लिए कि आपने दिन रात मेहनत करके मुझे आज इस मंच से बोलने का मौका दिया है, विधायक बनाया है, मंत्री बनाया। मैं हृदय से दिल से आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और जितने भी मेरे बड़े हैं उनके पैरों में मैं चरण स्पर्श करती हूँ। भाई और बहनों मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे इतना स्नेह और प्यार देंगे और आज भी जो सम्मान हुआ है उससे भी मैं बहुत दिल से आभार हूँ, बहुत आभार। मैं चाहती हूँ कि 5 वर्ष तक हमारा और आपका ये स्नेह और ये प्यार इसी तरह बना रहे। अगर कोई बात कहीं होती है उसको मतलब बैठ के समझा बुझा के खत्म करने की कोशिश की जाए, मन में किसी के कोई भेदभाव नहीं रहे कि बहन जी हमारी नहीं सुन रही या हमारे काम नहीं कर रही। अगर ये बात मेरे मन में होती तो मैं ग्रामीण विधानसभा नहीं रहती। आप लोगों के कारण ही मैं ग्रामीण विधानसभा में आई और चुनाव लड़ा मैं। जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मंच से अपना संबोधन दिया, वहीं मीडिया से भी बात की। मीडिया से बात करते हुए बेबी रानी मौर्य का कहना था जनता का प्यार उन्हें भरपूर मिल रहा है, वे जनता की ऋणी हैं। देखिए मेरी ग्रामीण विधानसभा के कार्यकर्ता का ये सम्मान समारोह था, जिन कार्यकर्ताओं ने मुझे दिन रात मेहनत करके मंत्री बना दिया, विधायक तो बनाया मंत्री भी बना दिया, तो मेरा भी मन था कि इनका सम्मान किया जाए। उसी के तहत ये कार्यक्रम हो रहा था और हमारी सरकार की दूसरी पारी 5 साल पहले और 1 साल इस साल एक वर्ष दूसरी वर्ष के पूर्ण होने पर हमने ये कार्यक्रम किया है। सरकार की उपलब्धियां बताई हैं, सरकार क्या कर रही है, हमारी दोनों सरकारों ने क्या क्या कार्य किए हैं ये सब कार्यकर्ताओं को बताया और 2024 की तैयारी भी हमने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अभी से तैयारी करिए जैसे हम फिर से अपने प्रधानमंत्री जी पर उम्मीदें हैं तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रही। जनता जनार्दन ने तमाम उम्मीदों से बेबी रानी मौर्य को विधायक बनाया और योगी सरकार में मंत्री भी बनी। जनता की समस्याओं को दूर करने का वादा प्रदेश सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया है और दूर करने का प्रयास भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 6 साल पूरे हो गए हैं, योगी टू सरकार का 1 साल पूरा हो गया। आगरा ग्रामीण विधानसभा से विधायक उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने 1 साल पूरा होने पर कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कार्यकर्ताओं का आभार जताया गया कि उनकी बदौलत वे फिर से विधायक बनी, फिर से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि 2024 में फिर से जुटना है, पूरी ताकत के साथ जुटना है जिससे फिर से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बन सके। बेबी रानी मौर्य ने जनता से वादा किया कि जिसलिए जनता ने उन्हें चुना है वो कसौटी पर खरे उतरेंगी, जन समस्याओं का भी निराकरण किया जाएगा। इसी उम्मीद से जनता ने बेबी रानी मौर्य को विधायक बनाया और फिर से बेबी रानी मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनी। बेबी रानी मौर्य ने जनता से वादा किया, कार्यकर्ताओं से वादा किया कि उनके सम्मान को कभी ठेस नहीं लगने दी जाएगी। अपने साथी अनिल दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।